हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट लिमिटेशंस एंड यूजेस ऑफ साइक्लोट्रोन। लास्ट वीडियो दे विच बच्चे असी साइक्लोट्रोन बारे पढ़िया सी। इस वीडियो दे विच असी लिमिटेशंस एंड उहदे यूजेस पढ़ांगे, ठीक है। नंबर वन इज व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, जदों कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, इट्स मास ऑलसो इनक्रीजिज विद इनक्रीज इन स्पीड। जिदा जिदा कहते उसकी स्पीड इनक्रीज होंगी जा रही है, उदा उदा वह मास भी इनक्रीज हों जा रहा। तुम साइक्लोट्रोन देखा होना कि इदा करके उसका रेडियस इनक्रीज हो रहा, जिदा जिदा रेडियस इनक्रीज हो रहा नाल दी नाल की हो रही है वेलोसिटी भी इनक्रीज हो रही है। हुण इन्होंने की कहा कि जो वेलोसिटी इनक्रीज होएगी तो मास भी इनक्रीज होएगा। वैन इट्स स्पीड बिकम्स कंपेरेबल टू दैट ऑफ लाइट, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम्स क्वाइट लार्ज एज कंपेरेटिव टू इट्स रेस्ट मास। कहिंदे जदों स्पीड इन्नी ज़्यादा वध जाएगी, जदों सी वेलोसिटी थोड़ी कितनी हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट दी इक्वल हो जाएगी, उस टाइम जिहड़ा तुहाडा मास होएगा चार्ज पार्टिकल का मास होएगा बहुत ज़्यादा वध जाएगा। क्वाइट लार्ज मीनस बहुत ज़्यादा वध जाएगा एज़ कंपेरेटिव टू इट्स रेस्ट मास। जो बिल्कुल रेस्ट पर खड़ा सी उस टाइम जिहड़ा उहदा मास सी उत्तों बहुत ज़्यादा इनक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैं थोनू कहां कि पहला खड़े होकर अपना वेट कर लो, दैन तुसी दौड़ना स्टार्ट करना। मान लो जो तुसी खड़े सी तुहाडा वेट 40 kg सी, जिद्दे ही तुसी गोल गोल घूमना शुरू किया साइक्लोट्रोन की तरह, सो थोड़ा भार वध के जिहड़ा आ उह 500 kg हो गया, ठीक है। सो जस्ट एक एग्जाम्पल लै रहे हैं कि इस तरह जिहड़ा रेस्ट मास सीगा चार्ज पार्टिकल का वह स्टार्टिंग दे विच कुछ होर सी, जो उन्हें मूव करना स्टार्ट किया तो उहदा मास अचानकली बहुत ही ज़्यादा इनक्रीज हो गया। इफ़ एम नॉट इज़ द रेस्ट मास, मान लो एम नॉट जिहड़ा उहदा ओरिजिनल मास आ जदों रेस्ट ते सी, ठीक है, जिदा 40 kg आ तुहाडी एग्जाम्पल दित्ती सी, इसे तरह असी मान लिया कि रेस्ट मास किन्ना आ एम नॉट। दैन मास ऑफ चार्ज पार्टिकल वैन मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, बच्चे इतने स्मॉल वी आना, वी इज़ गिवन बाय, बच्चे आ इक्वेशन तुहानू याद करनी पएगी, एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 - v² डिवाइडेड बाय c² बच्चे एम की आ जिहड़ी वेलोसिटी हुण तुसी जिस स्पीड दे नाल मूव कर रहे हो वो वाली वेलोसिटी, स्मॉल एम नॉट की है थोड़ी रेस्ट मास जो तुसी स्टार्ट किया 40 kg फॉर एग्जाम्पल वो वाला मास है। दैन की है 1 - v² डिवाइडेड बाय c², सिर्फ वी दे नीचे c² है, ठीक है। वी की है थोड़ी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। इन्ना क्लीयर हो गया बच्चे। हुण असी की पता करना टाइम। हुण ध्यान नाल देखो टाइम के इक्वल हुंदा 2πm डिवाइडेड बाय qb दे इक्वल, ठीक है। आ टर्म असी साइक्लोट्रोन दे विच ड्राइव कर चुके हैं। हुण देखो आ वाली m दी वैल्यू असी आ वाली पुट करन लगे हां, सो असी पुट कर दित्ती m दी वैल्यू, ठीक है जी। हुण ध्यान नाल बच्चे रिलेशन समझना। वो कहिंदे इफ वी इनक्रीज, वेलोसिटी अगर इनक्रीज करगी अंडर रूट 1 - v² ओवर c² डिक्रीज कर जाएगा। हुण देखो ध्यान नाल बच्चे रिलेशन की है 1 - v² डिवाइडेड बाई c², ठीक है जी। जिदा जिदा हौली हौली की है वेलोसिटी इनक्रीज कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी पहला कितनी सी थोड़ी, मान लो 40 kg पर आर सी, ठीक है। सो हौली हौली वध के 50 kg होगी, दैन 60 kg पर आर होगी, सो इदा करके किलोमीटर पर आर होगी। सो इस तरह थोड़ी वेलोसिटी इनक्रीज़ हो रही है बच्चे। जो वेलोसिटी तुसी सी दे नाल डिवाइड करूँगे, सी कितना होंदा 3 × 10⁻⁸ स्टैंडर्ड वैल्यू आ सी दी, सो की होएगा कॉन्टीन्यूअसली क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, जिनी टर्म उपरली वड्डी हुंदी जाएगी उन्नी ज़्यादा जिहड़ा कह लो इहदी रेशो आ वो घटदी जाएगी। इहदा मतलब 1 विचों असी टर्म घटाई जा रहे हैं, ठीक है। इहदा मतलब पूरी दी पूरी टर्म आ वाली पूरी टर्म की होगी डिक्रीज़ हुंदी जाऊगी कॉन्टीन्यूअसली। क्लीयर हो गया बच्चे पॉइंट। जिदा ही वी हर बार इनक्रीज़ हुंदा जाएगा थोड़ी जिहड़ी आ पूरी दी पूरी अंडर रूट जिहड़ा आ डिक्रीज़ हुंदा जाएगा। जिदा ही थोड़ी आ पूरी टर्म डिक्रीज़ होएगी इहदा मतलब टी दे की है ये रेसीप्रोकल, इहदा मतलब टी की होएगा थोड़ा इनक्रीज़ हुंदा जाएगा, सो टाइम पीरियड थोड़ा इनक्रीज़ हुंदा जाएगा। क्लीयर हो गया बच्चे। सो एक्चुअल दे विच ए चीज़ तो हुंदी ही नहीं कि तुहाडा मास इनक्रीज़ हुंदा, इस करके नू लिमिटेशंस दे विच लिया गया, फेलियर्स दे विच लिया गया। हुण तुसी एक सेंटर पॉइंट ते खड़े हो जाओ और साइक्लोट्रोन दी तरह घूमना स्टार्ट कर दो तो तुहाडा फाइनली तुहाडा मास भी उन्ना ही होएगा जिन्ना स्टार्टिंग पॉइंट ते सी। सो एक लिमिटेशंस दे विच ये आ गया कि मैथमेटिकली अगर असी प्रूव करदे हां तां मास जिहड़ा आ इनक्रीज़ होना चाहिए, बट एक्चुअल दे विच इदां नहीं हुंदा, मास इनक्रीज़ नहीं हुंदा,
सिर्फ एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज इन्नी ज़्यादा हाई हो जाती है, एक्सलरेट इन्ना ज़्यादा हाई हो जाता कि उसे किसी टारगेट को तोड़ सकता हो। बच्चे आ लिमिटेशन क्लीयर होगी, मास इनक्रीज़ नहीं हुंदा, बस उसका टाइम पीरियड इनक्रीज़ हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। सैकेंड, साइक्लोट्रॉन इज़ यूज टू एक्सलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल। दिस पॉइंट, सैकेंड पॉइंट इज़ अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे सैपरेटली 2 मार्क्स का अलग तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि वाई साइक्लोट्रॉन इज़ यूज फॉर हैवी चार्ज पार्टिकल या वाई इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट यूज फॉर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो अलग तो क्वेश्चन भी आ जाता है। हुण देखो, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज या हैवी चार्ज पार्टिकल्स नू ही एक्सलरेट करता, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल एंड इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द इलेक्ट्रॉन मूव विद अ वेरी हाई स्पीड। कहिंदे जिहड़ा इहदा मास हुंदा बहुत ज़्यादा छोटा हुंदा। इहनू भी समझाउण दे लई मैं छोटी जी तुहानू रियल लाइफ की कोई एग्जाम्पल दिंदी हाँ। मान लो तुहाडे घर विच कोई छोटा जिहा बच्चा आ, कोई 2 साल का बच्चा आ। ठीक है, हुण तुहाडे पापा 2 साल के बच्चे नूं धक्का मारदे आ, डेफिनेटली उहदे लई उह फोर्स बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे दे लई एक वड्डी परसन का जिहड़ा फोर्स आ बहुत ज़्यादा, वह बेचारा बहुत दूर जाके गिरेगा। हुण उही तुहाडे पापा तुहानू धक्का मारदे आ, हुण तुसीं 18-19 साल दे आ। ठीक है, तुहानू धक्का मारदे आ इहदा मतलब मान लो तुसीं हैवी चार्ज बॉडी आ, है ना, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आ, तो तुहाडा भार ज़्यादा आ, तो तुहानू उन्नी ज़्यादा कह लो जोर नाल धक्का नहीं मार सकते कि तुसीं दूर जाके गिरो। गिरोंगे जरूर, तुहानू एक झटका जरूर फील होएगा, बट जिन्ना छोटे बच्चे नूं कह लो झटका फील होएगा उहदे नालों घट होएगा। सेम चीज़ बच्चे साइक्लोट्रॉन दे अंदर आ, एक नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक इदां दा जिहदा भारी बहुत हल्का आ, जिद्दां ही उहनूं साइक्लोट्रॉन दे अंदर रखांगे उन्हें किया उहदा मास घट होने की वजह ने इको दम उन्हें स्पीड फड़ लैनी, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड ते उन्हें आके इमीडिएटली जिहड़ा आ उस डीज दे विच्चों सर्कल कंप्लीट करके बाहर निकल जाना। सो उन्हें अपनी जिहड़ा एक्सलरेट होने का उन्हें मौका ही नहीं दिंदा कि इन्नी ज़्यादा स्पीड दे नाल उह बाहर निकल गया। सो उन्हें कोई काम नहीं किया इलेक्ट्रॉन ने। सो इस करके असी हैवी चार्ज पार्टिकल लैने कि वह हौली हौली इस तरीके मूव करे, तो प्रॉपर वे स्पीड इनक्रीज़ हो, प्रॉपर वे ना एक्सलरेट करके बाहर आए, जो बाहर आए तो बहुत हाई एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो। क्लीयर होगी बच्चे आ चीज़? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इस करके द इलेक्ट्रॉन गो क्विकली आउट ऑफ स्टेप विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसी रीज़न करके, क्योंकि वह मास छोटा आ घट आ, मास छोटा होने करके जोड़ा इलेक्ट्रॉन आ क्विकली आउट मतलब कि उस टाइम ही जोड़ा आ डीज के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैगनैटिक फील्ड तो इमीडिएटली बाहर निकल जाता है। ठीक है जी, सो लास्ट पॉइंट इज़ द अनचार्ज पार्टिकल। अनचार्ज पार्टिकल कि बच्चे न्यूट्रॉन, जिते कोई चार्ज नहीं होंदा, न्यूट्रल होंगे, कैनॉट बी एक्सलरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। इन्हों भी जो साइक्लोट्रॉन के द्वारा असी एक्सलरेट नहीं कर सकते। क्लीयर हो गया? सो बच्चे साडे अज दीआं लिमिटेशनस सी, जिहदे विचों सैकेंड पॉइंट इज़ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नैक्सट आ जाओ, यूजिज ऑफ साइक्लोट्रॉन। बहुत रेयर चांस आ बच्चे कि यूजिज़ कदे साइक्लोट्रॉन दे पुछे जान, बट तुहानू पता होना चाहिए कि साइक्लोट्रॉन असी अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इन्ना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। सो क्यों असी इनू यूज़ कर रहे हैं? द हाई एनर्जी पार्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ सिलेंडर आर यूज टू बंबार्ड न्यूक्लियाई। ठीक है, हुण बच्चे सिलेंडर उन्होंने किनू बोलिया, जिहड़ी आपां डी वगैरह प्रॉपर यूज़ की आ, सो ये पूरे दे पूरे एक चैम्बर के अंदर बंद हुंदा है, इस करके इनू सिलेंडर बोल दिता गया। सो इहदे विच बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स असी प्रोड्यूस करते हैं ताकि असी न्यूक्लियाई। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर तुसी पढ़ते होने बच्चे, न्यूक्लीयस हुंदा आ, न्यूक्लियाई हुंदा, न्यूक्लियर के अंदर प्रोटोनस हुंदे आ, इलेक्ट्रॉनस हुंदे आ, फिर तुसी इलेक्ट्रॉनस नूं अलग तो स्टडी करते हैं, प्रोटोनस नूं अलग तो स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी करवानी थोड़ी केमिस्ट्री का काम आ, बट उन्हें तोड़ना जड़ा फिजिक्स का काम आ। फिजिक्स ने थोड़ा तोड़ मरोड़ के देती चीज़ा, तो केमिस्ट्री थानू वो चीज़ पढ़ा रही आ। ठीक है, सो किदा रिएक्शनस होंगे, किदा स्ट्रक्चरस बनते आ, सो ये सारिया चीज़ा जड़िया आ वो स्टडी कीतिया जा सकदियां अगर असी छोटे जे पार्टिकल नू तोड़ दिए। नैक्सट आ जाओ, द हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर यूज टू प्रोड्यूस अदर हाई एनर्जी पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन्स बाय द कोलिजन। सो एक हाई
पार्टीकल दूसरे के नाल जाके जो कोलाइड करेगा, जिदा ही चार्ज पार्टीकल आ गए किसी टारगेट के, हूँ बच्चे टारगेट भी किसी एटम किसी मॉलीक्यूल तो ही बनया होएगा, जिदा ही जाके उस टकराएगा तो एक होर अदर हाई एनर्जी पार्टीकल जोड़ा आ प्रोड्यूस हो जाएगा। इट इज़ यूज टू इम्प्लांट आइन्स इन टू सॉलिड एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज और ईवन सिंथेसिस न्यू मटीरियल। अगर असं चाहते हैं कि दो मटीरियल्स आपस में मिक्स कर दिता जाए कोई इदा का पॉजिटिव चार्ज पार्टीकल, मान लो असं चाहते हैं कि अल्फा पार्टीकल आ जोड़ा वो किसी होर मटीरियल के अंदर जाके चला जाए तो असं देखिए कि रिएक्शन होंगे। मान लो असी गोल्ड फॉयल ही अगे रख दी, केमिस्ट्री के अंदर भी तुम ये चीज़ा पढ़ते हो गए कि गोल्ड फॉयल असी रख दी या जिंक सल्फेट की असी कोई प्लेट रख दी तो उत्थे असी अल्फा पार्टीकल आके जोर दी स्ट्राइक किया तो असी देखते हाँ कि होंगे। तुम रदरफोर्ड में भी पढ़िया होएगा कि वो आके जिहड़े आ चार्ज पार्टीकल आके स्ट्राइक करते अल्फा पार्टीकल तो वो स्पार्किंग होंगी अग निकलती है, ठीक है। अग निकल तो बाद कोई ना कोई तो रिएक्शन होएगी, कोई ना कोई तो न्यू मटीरियल बनेगा। सो सारिया चीज़ा भी असी इस कैलो प्रोसैस के थ्रू चैक कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं न्यू आइन्स, ठीक है। नैक्सट आ जाओ, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स विच आर यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। सो असी अलग अलग तरह के आइसोटोप्स भी बना सकते हैं जो अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स के यूज़ किया जा सकता। टू स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन सबस्टांस, न्यूक्लियर रिएक्शनज तुसी काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके होने केमिस्ट्री के अंदर, सो उस भी असी इनू न्यूक्ल साइक्लोट्रोन यूज़ कर सकते हैं। नैक्सट आ जाओ, इम्प्लांट ऑफ आयन इन अ सॉलिड सबस्टांस, ये बच्चे सेम पॉइंट है थर्ड वाला। सो 5 पॉइंट्स है, सो यूजिज बहुत घट पुछे जाते हैं, लिमिटेशनज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो उन्होंने ध्यान ना पढ़ लेना, अगर कोई पॉइंट ना क्लीयर हो बच्चे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।